हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चंस वर रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज, सो लेट अस कंप्लीट दोज क्वेश्चंस। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन इसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो वेरी सिंपल, आप एक काइट का फिगर बना दीजिए और वो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये फिगर और ये दोनों एंगल होते हैं इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो किसी भी पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम एक रफली बना लेंगे और इस पैरेललोग्राम के ABCD नाम ले लिया। द मेजर अप टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 3:2। तो आप इसको 3x ले लो और इसको 2x, ये दोनों एडजेसेंट है। तो लिखेंगे कि लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल को अगर प्लस किया जाता है तो 180 डिग्री बनता है। तो देयरफॉर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, दैट इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 बाई 5, 5 3 जा 15, 3056। तो वैल्यू ऑफ x इज 36। तो एडजेसेंट एंगल, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स 3x, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 36, दैट इज 108, और 2x इक्वल टू 2 इंटू 36, दैट इज 72। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये दो एडजेसेंट एंगल, इसमें 3:2 का रेशियो था लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों इक्वल दिया है। तो दोनों को एक्स और एक्स ले लें और तो फिर हमारा बन जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरह से हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर है, फिगर बनाइए। एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट फिगर हो इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम का फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ये HOPE, क्वेश्चन नंबर 7। H से P को जोड़ना है, दो एंगल से, एक ऊपर है 40 का और नीचे वाला एंगल है Z, यहाँ पे है 70 डिग्री, ये है X, और तो फिर y है यहाँ पे। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको लेंगे, ये 40 प्लस जेड, इसके साथ में 40 प्लस जेड 70 के साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिखेंगे 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग जस्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम हियर, सो जेड इक्वल टू 30 डिग्री, जेड 30 आ गया। ये वाई और ये 40, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
तो वाई इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y निकल गया, अब x बचता है, x इक्वल टू देखिए ये और ये 70, ये दोनों मिलकर के बनाएगा लीनियर पेयर, तो 70 प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, और ये जितना होगा उतना x होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर 180 बनाएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, और जितने का ये है उतने का x होगा, तो x इक्वल टू 110। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, फिर इसमें फिगर है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। पहले फिगर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बना लें, ये पैरेललोग्राम है सपोज, इसका नाम है GUNS, 3x है और इधर 18 है, 3x 18, 3y माइनस 1, और इस साइड है 26। तो हमको इसमें बताना है x की और y की वैल्यू। x बहुत सिंपल है, आपको पता है, यू नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो वी कैन से दैट कि वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 बाई 3, x इक्वल टू 6। y के लिए ऑल्सो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, ये भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है तो ये भी इक्वल होगा, तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27 बाई 3, तो y इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, जिसका फिगर है एक फिर से पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए, इधर है 16 और ये है x प्लस वाई, और ये जो दूसरा डायगोनल है 20 और ये y प्लस 7। ये 8 का सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले वाई प्रॉपर्टी लिख दीजिए, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, देयरफॉर वाई प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 माइनस 7, y इक्वल टू 13। सेकेंड वाले के लेंगे ऑल्सो x प्लस y इक्वल टू 16, अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x इक्वल टू 3। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस क्वेश्चन। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 9 विच इज हियर, अगेन फिगर इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, सो लेट अस ड्रॉ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 9, तो कुछ इस तरह का फिगर है। इस फिगर में है, ये
यहाँ पे नाम है आर, ये आई सी एल यू ई और एस, दो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है रिस्क, यहाँ पे है के, एक पैरेललोग्राम है रिस्क आर आई एस के, और दूसरा है क्लू सी एल यू ई, दो पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे कुछ एंगल्स दिया हुआ है 120 डिग्री और इसको दिया है 70 डिग्री। फाइंड करना है हमको एक्स की वैल्यू, एक्स जो कि यहाँ पे है, ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, पहले बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो हम पहले रिस्क में है, पैरेललोग्राम रिस्क में है, तो के के का एडजेसेंट आएगा एस पे, तो k प्लस s मिलके 180 बनेगा इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल k प्लस एंगल s इक्वल टू 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो k की ले k की वैल्यू है 120 और जो s है उसकी निकाल लेना है, तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल S इक्वल टू 60। वी गॉट द वैल्यू ऑफ S 60। उसी तरह से एंगल L, इस पैरेललोग्राम में जाओ, इन पैरेललोग्राम क्लू, इसमें आप देखोगे तो L और E ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल होगा, तो एंगल L प्लस एंगल E, सॉरी L इक्वल टू E इक्वल टू 70 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो हमको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पता है। अब यहाँ एक एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब हमको पहले ई का और एस का वैल्यू पता है, एंगल ई प्लस एंगल एस, ई और एस दोनों हम लोगों ने निकाल चुके हैं, और प्लस एक्स इक्वल टू होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ई की वैल्यू है, ई का हम लोगों ने निकाला था 70 और एस की वैल्यू निकाली है 60 और प्लस एक्स इक्वल टू 180, 70 प्लस 60 130 प्लस एक्स, सो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130, एक्स इक्वल टू 50। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू से दैट कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो एज यू नो दैट कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। हियर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर, सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180, देयरफॉर इट इज सो दिस MN पैरेलल LK। So, since angle M plus angle L equal to 100 plus equal to 180, therefore MN parallel KL, hence KL MN is a trapezium. It is a trapezium because we know that a trapezium is a quadrilateral where the two opposite sides are parallel. Here we get this side parallel, so this is a trapezium. In the question number 11, it is said that ki find angle C. So we have to find angle C. So as we know that ki AB parallel DC,
दिस लाइन दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल, तो सिंस ए बी पैरेलल डी सी, अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल इसका सम 180 होगा, देयर फोर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, तो बी की वैल्यू है 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, therefore angle C equal to 180 minus 120, that is 60 degree. In question number 12, if find the measure of angle P and angle S if SP parallel RQ, SP parallel RQ. This is S, this is P, this is Q and this is R. So in this question it is said that ki SP and QR is parallel, this side and this side is parallel. So if this side is parallel, then you have to find angle R and angle P. So R, this angle, this is 130. So sine of this angle is given. Obviously it is of right angle 90 degree. And we have to find angle P and S. P